परम आदरणीय सम्मानित मंच मंच पर आसीन मेरे सम्मानित सभी अतिथिगण, दाताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, आज बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जन्म जयंती पर आप सभी इस प्रांगण में पधारे, इसके लिए आपका हृदय से आभार, धन्यवाद। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है और ये कहते हुए कि आज भले मंच पे बोलने का वक्त मिलता न मिलता और कुछ नाम होता ना होता, फिर भी मेरे को आज बोलना पड़ता और मैं कहती, आज मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी मेरी माताओं के लिए, मेरी बहनों के लिए, मेरी बेटियों के लिए है, जिन्होंने आज बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आपने समय निकाला और इस रैली को सफल बनाया। और मैं चाहती हूँ आने वाले समय में भी आप 14 अप्रैल की तारीख को जिस तरह आप अपने तीज त्यौहार को याद रखती हो, करवा चौथ के दिन को आप याद रखती हो, तारीख को याद रखती हो, इसी तरह 14 अप्रैल की तारीख को आप हमेशा याद रखें और हमेशा सहयोग करें। और आप जो माता बहने हैं, इस देश की शक्ति है, इस देश की बराबर हिस्सेदार हैं हम पुरुषों के साथ में, हमारा भी उतना ही अधिकार, उतना ही हक है। और बहुत खुशी हुई कि आज हमारी माताओं के साथ हमारे भाई लोग हैं, वो भी जमीन के ऊपर बैठे। आज मेरी ये एक समानता का अधिकार था जो हमें बहुत ही अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई। और इसी के साथ में मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि लोग सारे दिन, ये बड़े पढ़ी लिखी पीढ़ियाँ भी है, बहुत जन लोग हमें रिजर्वेशन आरक्षण के लिए हमें कहते हैं, जब रिजर्वेशन जाति से मिला, रिजर्वेशन सबको नजर आता है, जाति से मिला रिजर्वेशन सबको नजर आता है, जाति से मिला शोषण, भेदभाव, छुआछूत, अत्याचार, ये लोगों को क्यों नहीं नजर आता है, ये हमारे साथ में क्यों होता है? हम क्या इस देश के, इस भारत के नागरिक नहीं है? हमारा क्या क्या योगदान नहीं है इस देश के लिए? इसलिए रिजर्वेशन के ऊपर उंगली उठाने से पहले लोग हमारे साथ में हो रहे अत्याचार अनाचार के खिलाफ ये भी देखें कि हम, आप लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, आप हमारे बारे में क्या बोलते हैं। इसलिए रिजर्वेशन तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इस देश का कोई भी माइक लाल किसी के बाप की हिम्मत नहीं है जो हमारे रिजर्वेशन को, देश का संविधान, भारत का संविधान जब तक जिंदा है, जब तक इस देश की हर एक बहन, बेटी, एक माँ और इस देश का युवा इस संविधान के लिए, इस संविधान के रक्षा के लिए हमेशा एक जाजम पर खड़ा रहेगा। एससी एसटी का भाई बहन सभी इस संविधान के लिए हैं और हमेशा संघर्ष करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आधी रोटी कम खाना, फटे कपड़े पहनना, अपने संतानों को पढ़ाना और बंदूक तलवार की ताकत से बड़ी होती है, अपने कलम की ताकत को और कलम की धार को इतनी तेज और मजबूत बनाइए कि कोई भी आपकी तरफ देखने वाला, आपके ऊपर नजर उठाने वाला आपकी कलम की धार को देखे तो हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, इसके हाथ में क्या है। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है, अपने बच्चों को, लड़कियों को, माताओं, बहनों से कुछ भी करिए, आधी रोटी कम खाइए पर अपनी संतान को पढ़ाइए, शिक्षित बनाइए, जागरूक करिए और हमारे जितने भी कानून नियम है संविधान में उनको पढ़िए और पढ़िए। दूसरी किताबें हम पढ़ते हैं फिर भी संविधान हर घर में होना चाहिए, संविधान हर बच्चों को पढ़ना चाहिए। कानून कितने खत्म हो रहे हैं, कितने हमारे लिए बच रहे हैं, कितने कानूनों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करके उन्हें खत्म किया जा रहा है, उसकी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। अगर हम ये पीढ़ी इस संविधान को बचाने में सफल रही तो आने वाली पीढ़ियां हमारी तस्वीरों पर माला पहनाएगी, वरना अपने पांव के जूते खोल के हमारे तस्वीरों के ऊपर डालेगी। तो हमारे अधिकार, हमारा तक खत्म हो रहा था तो हमारा परिवार, हमारा खानदान, हमारे बाप दादा क्या कर रहे थे, किस जगह खड़े थे, किस जगह बात कर रहे थे, ये कौन से हमारे पूर्वज है जो हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं कर सके। इसलिए अपने बच्चों से मान सम्मान इज्जत, अपने पूर्वजों की तरह अगर अपन को भी पानी है तो इस संविधान के लड़ना होगा, इस संविधान को बचाना होगा और इस संविधान को किसी भी कीमत पे, इस संविधान को अक्षुण इस भारत के अंदर रखना होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ और एक बार तहे दिल से आप सभी माता और बहनों को धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जो आए हैं, उन माता बहनों के लिए भी जो नहीं आई है, उन माता बहनों के लिए भी निकलो अपने घर से, आओ और बाबा साहब के अम्बेडकर के इस मिशन को अपना आगे बढ़ाओ और अपना सहयोग दो। और मैं पार्वती मेघवाल आज इस मंच से शपथ लेती हूँ, मैं 132 जन्म जयंती के उपलक्ष्य में अब मेरा बचा हुआ जीवन
मैं बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को समर्पित करती हूँ। मेरे जीवन, मेरा परिवार, मेरे समाज से साथ में मेरे बाबा साहब अंबेडकर का मिशन जो है वो मेरी प्राथमिकता रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जब से हम